गोली तो मार दिया जी, हम के कुछ भी नहीं कर सके, हमारी कोई सुरक्षा को नहीं जी, हमारी नहीं सुरक्षा, उन गोली मारने वाले ने भी पकड़ो। बहन भाइयों को धमकी दे रहे, तुम्हारा भाई तो मार दे, हम तुम्हें भी मारेंगे। सुरक्षा नहीं जी, हमारी कोई सुरक्षा नहीं जी। बीती 1 नवंबर को कैथल के गांव मुंदड़ी में साहिल नामक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। घटना के लगभग 7 दिन बीत जाने के बाद भी साहिल के आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार वालों ने आज कैथल में पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस प्रशासन किसी दबाव के चलते आरोपियों पर कार्रवाई करने से बच रहा है। सुमित्रा जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे तो बच्चा कर लो न्यून्य करके जी, उन फोन पे फोन करके बुलाया जी, उन भी न्यून्य करके उन गिरफ्तार मारिया जी, फिर उन गोली मारी जी मेरे बच्चे के, ना नी जी कोई पुरानी नहीं जी, हाँ जी कोई नहीं पुरानी जी, सरपंच भी था उस टाइम, मौका पर सरपंच भी था जी, सरपंच भी किसी ने सराहता नहीं करी, किसी ने नहीं करी जी, बच्चे गई किसी ने भी कोशिश भी नहीं करी, भी नहीं कहा, दूर दूर भी नहीं हटाए उनने जी, सरपंच मौका पर उड़ी था जी वो, हाँ सरपंच भी था जी, वो भी था जी, मारा बच्चा श्री राम गोली तो मार दिया जी, हम के कुछ भी नहीं कर सके, हमारी कोई सुरक्षा को नहीं जी, हमारी नहीं सुरक्षा हालता, कुछ भी हमारी सुनाई नहीं हो रही, हमारी मांग है जी, उन्हें हथियारों ने पकड़ो, उन्हें गोली मारने वाले ने भी पकड़ो जी, जब और मना नहीं से आप दो, हमारी कोई सुरक्षा पुलिस नहीं कर रही, ना कोई और, हमारी कोई सुनाई नहीं होनी, 7 दिनों 7 तारीख को, 1 तारीख को मेरे भाई को गोली मार दिया, 7 दिनों को कोई भी पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है, हम स्कूल में जा रहे हैं, हमारे छोटे बहन भाइयों को धमकी दे रहे, तुम्हारा भाई तो मार दे, हम तुम्हें भी मारेंगे, हम क्या करें सर, कोई सिक्योरिटी नहीं, अगार वगार कुछ भी किस टाइम भी हमला कर सकते हो घर पे, हम क्या करेंगे, पुलिस ड्यूटी चली दे रही है सर, गिरफ्तार है, नू नहीं पता उसका बाप भी है की नहीं है, हमने वो भी नहीं पता जी, हमने उसका कोई पता नहीं जी। विक्रम कुमार मुंदड़ी से, मामला तो घर से आ रहा था लड़को, दुकान बदा के आ रहा था छोटा भाई इसका, और भाई का क्या नाम है, सावन, हाँ जी सावन आ रहा था जी, उसको दुकाने पे जैसे दिवाली पे पटाखे वगैरह कुछ लेने लगा जी, मिठाई मिठाई वगैरह, उसने आते ही लड़के ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया जी। कारण क्या था मारने का? कारण नहीं जी, कारण कुछ नहीं था जी, कारण कुछ भी नहीं था, ना जी कोई विवाद नहीं था कल से। अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस झूठे दिलासे दे रही है जी। कितनी बार मुलाकात हुई? 2-3 बार हुई है सर। 2-3 बार में मतलब हर बार की बात? भाई हम उसको पकड़ लेंगे, कोई पकड़ दे नहीं, कोई लेने नहीं, 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 नहीं रहा। यह होगी जी कम से कम आज 7 दिन की बात होगी। एक उसका फादर साहब फटे बस, और क्या मांग? मांग तो ये जी, इंसाफ मिले भाई को। ललित यादव भी आए थे, बोल रहे थे हम जल्द से जल्द कार्रवाई करें, कोई कार्रवाई नहीं है बिल्कुल भी। आज इकट्ठा हुए किसने, आज इकट्ठा हुए किससे मिलोगे और कहां जाओगे? हम मुर्दाबाद के, सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रोड पे निकलेंगे कोर्ट की तरफ। क्या रणनीति? परमानेंट धरना रहेगा, परमानेंट ही धरना रहेगा हमारा, धरना नहीं उठाएंगे जब तक कोई गिरफ्तार नहीं किया जाता। छोटी बहन हूँ, मेरा नाम कोमल है, मेरे दो ब्रदर हैं, उनको भी खतरा है, मेरे छोटे भाई उन लोगों ने मार दिया, मेरे डैडी हम कहते रहेंगे यार सर गाँव में। नहीं सर गिरफ्तारी अभी लग नहीं हुई, क्यों अपराधी ऐसे गाँव में फिर रहे हैं, और धमकी दे रहे स्कूल में जा रहे बच्चे, हमें धमकी दे रहे की तू तेरे भाई तो हमने मार दिया, हम तुमको भी मारेंगे, बच्चे हमको धमकी दे रहे, हम स्कूल में जा रहे हैं सर, जब तो पुलिस के पास नहीं गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर, पुलिस से अगर मिले तो सुनाई नहीं कर रही, कोई सुनाई नहीं, दिलासे दे रही है सर, झूठे पुलिस भी, गिरफ्तार नहीं होया जी, बच्चे तेरे गांव के सर, तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे भाई मार दिए, हम तुम्हें भी मारेंगे, अब गाँव में फिर रहे, हाँ गाँव में फिर रहे सर, गाँव में फिर रहे जी,
और मारे गोली कर रहे जी, मेरी कोई सुनाई नहीं थी, मेरा बच्चा मार दिया जी, गोली गला मार दिया जी, श्री राम मार बच्चा मन भी खतरा जी, मेरी कोई सुरक्षा नहीं जी, मेरी कोई सुरक्षा नहीं जी, कोई मेरी सपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हमारी सुरक्षा नहीं जी, मेरे बच्चा नहीं पिए रहा जी, धमकी दे रहे जी, वाला पुलिस के पास आप लोग गए तो क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कह दे, कुछ नहीं कह जी, पुलिस ने अब लगे तो कोई सुरक्षा नहीं कर रही हमारे बच्चे की, बाहर भी नहीं निकल सके जी, रोड भी जाम किया गया था उस दिन, पुलिस ने आश्वासन दिया था जब आप लोगों ने रोड जाम किया था तो पुलिस ने आश्वासन दिया था गिरफ्तार जल्द कर लेंगे, बस कुछ नहीं, एक बार बच्चे जी जान दे, मेरी कोई सुरक्षा नहीं जी, कोई सुनाई नहीं मेरे बच्चे की जी।